सभी का एक बार फिर स्वागत है एसपीएन 9 के इस खास कार्यक्रम में और मैं हूं आपके साथ फरहान। भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता हो लगातार विवादित बयान दे रहा है, गृह मंत्री अमित शाह हो या फिर अनुराग ठाकुर हो या फिर अन्य कोई भी नेता हो, संबित पात्रा हो, लगातार विवादित बयान दे रहे हैं। प्रवेश वर्मा भी उसी फेरिस्ट में आते हैं जो नेता विवादित बयान दे रहे हैं। यदि हम पश्चिम बंगाल के भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष की बात करें तो वह भी लगातार विवादित बयान दे रहे थे। हम आपको बता दें कि संबित पात्रा ने एक टीवी डिबेट के दौरान कहा था, मतलब एक हिंदू जनता को बता रहे थे कि आप संभल जाओ, खड़े हो जाओ, जाग जाओ, वरना जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं कल वह आपके घर में घुसकर आपको मारेंगे, अभी आपको जागना होगा। यही बात प्रवेश वर्मा भी कह रहे थे कि घर में घुसकर यही प्रदर्शनकारी कल आपके घर में घुसेंगे, आपकी माँ बहनों के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम देंगे, इस तरह के आरोप लगाए जा रहे थे क्रांतिकारियों के ऊपर। यह आज की बात नहीं है, जब अंग्रेजी हुकूमत थी तब भी क्रांतिकारियों के ऊपर अनेक प्रकार के आरोप लगाए जाते थे, लूट के, चोरी के, हत्या के, देशद्रोही तक भी उनको कह दिया जाता था। लेकिन हम आपको एक बात बता दें, क्रांतिकारियों पर किसी भी प्रकार के आरोप लगाए जाएं लेकिन उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उनके मन में और हृदय में केवल देशभक्ति होती है, देश के हित के लिए ही आगे बढ़ते हैं, चाहे वे किसी प्रकार का धरना हो या फिर लाठीचार्ज में पुलिस के डंडे खा रहे हों, उनके मन में केवल राष्ट्रभक्ति होती है और देश हित के लिए ही लगातार आगे बढ़ते हुए नजर आते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, चाहे वे जामिया हो या एएमयू हो, पुलिस की प्रताड़ना सहने के बाद भी आज भी वह लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शन कम से कम 53-54 दिन हो चुके हैं प्रदर्शनों को लेकर। यहाँ भारतीय जनता पार्टी अब बैकफुट पर भी नजर आ रही है, जिस तरह CAA और NRC को लेकर लगातार बयान आ रहे हैं। संबित पात्रा के इस बयान को लेकर चुनाव आयोग ने उनसे आज शाम 5 बजे तक कहा है कि इस संबंध में अपना जवाब दें, उनसे जवाब मांगा है। जो संबित पात्रा ने कहा था तुम्हारे घर में घुसकर यह लोग मारेंगे, संभल जाओ वरना तुम नहीं सोच सकते कि आगे क्या होगा, वह दिन दूर नहीं है जब तुम्हारे घर में घुसकर यह लोग तुम्हें मारेंगे, सावधान हो जाओ, इसको लेकर चुनाव आयोग ने संबित पात्रा से आज शाम गुरुवार 5 बजे तक जवाब मांगा है। संबित पात्रा इस संबंध में क्या जवाब देंगे यह सोचने वाली बात है। क्या वह अपनी बात से मुकर जाएंगे, जिस तरह भारतीय जनता पार्टी के अन्य नेता मुकरते हुए नजर आते हैं, अपनी बातों से पलटी मार जाते हैं, या फिर संबित पात्रा अपनी बात पर अडिग रहेंगे, क्योंकि उन्होंने जनता को आगाह किया था, अब जिस बात को लेकर आगाह किया है क्या वह उसी बात से पलट जाएंगे और जनता से झूठ बोलने का जो एक आरोप लगेगा उनके ऊपर वह बर्दाश्त कर पाएंगे, क्या इतनी बेशर्मी अभी उन पर है या नहीं है, या कुछ शर्म बाकी रह गई है। इस संबंध में आपकी राय बहुत ही महत्वपूर्ण है कि संबित पात्रा का क्या जवाब होगा, या फिर जनता उनको झूठा कहेगी यदि वह अपने बयान से पलट जाते हैं। इस संबंध में राय देना बिल्कुल भी ना भूलें, कार्यक्रम को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, धन्यवाद।